दिन तेरे किट दीना तू दिन तेरे किट दीना लो बीवी, इसको कहते हैं फंसा देना और तुम गई हो फंस। इंतजार कर, थोड़ा सा मैं भी निकलती हूँ। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। आहा। आहा। ओके ठीक है, मान गए। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका ध्यान नहीं किया। इधर देखो मेरे भाई, और इसको कहते हैं चेक। इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया मियां। ये भी अजीब खेल है शतरंज, चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। सोचो बीवी, सोचो, चेक और चेकमेट में ज्यादा वक्त नहीं होता। आई नो। चेक से चेकमेट का ये दरमियानी वक्फा कितना अज़ियतनाक होता है ना। आज भी चेक से चेकमेट के दरमियानी वक्फे में है, अज़ियतनाक वक्फा। जिंदगी के बिसात बिछी हुई थी, सब मोहरे अपनी अपनी जगह मजबूत थे कि अचानक मौत ने एक चाल चली और कहा चेक। रिपोर्ट्स, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अब। लेकिन आपने तो कहा था कि कीमोथेरेपी के बाद थिंग्स कैन गेट बेटर। आई एग्री, लेकिन कीमोथेरेपी एक कोशिश है, इट्स एन एफर्ट। इससे या तो कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है और नहीं भी, और अनफॉर्चुनेटली इस केस में यू आर नॉट वेरी होपफुल। लेकिन आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप गारंटी नहीं दे सकते तो और कौन दे सकता है? Look at her, उसकी हालत देखें आप, वो कैसे संभालेगी अपने आप को? I understand your concern, but right now this is the reality and we all have to face it together. There's nothing much that can be done. How is my baby feeling? भाई तुम्हारी डॉक्टर तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है, कह रही थी आजू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। झूठ मत बोले मामा। अच्छा थोड़ा सा जूस पी लो, यू विल फील बेटर। मैं सोना चाहती हूँ। थोड़ा सा पी लो बेबी, फिर सो जाना। नींद आ रही है मामा।
कैंसर की अचानक तशखीस, फिर कीमोथेरेपी, चंद महीनों में आजू की यह हालत हो गई। खुशबाश आजू को मौत ने चेक का अल्टीमेटम दे दिया। छोड़ो मियां, मैं इस चेक में ही फंसी हुई ठीक थी। कहां फंसा रहे हो? हाँ बेटा, बस ठीक ही है। तुम बताओ कब आए? कुछ दिन पहले आया हूँ। हॉस्पिटल में ही अभी। मैं आऊँगा मिलने। आना ज़रूर। छांटी अपना ख्याल रखिएगा और आजू का भी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अधीर चला भी क्या? अधीर तो नहीं आया मामा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी खुद उसे कोई और होगा, बिल्कुल अधीर की तरह तब तक। नो आजू, नहीं। सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की जरूरत नहीं है। यू हैव मी। यू विल बी फाइन। सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा बेबी। विल सी। मेरा स्ट्रॉन्ग बच्चा है। Thank you.
मंगनी तो कैंसर की तशखीस के बाद ही टूट गई थी, मगर दिल अब टूटा है शायद। कैसे छोटा आदमी है मियां, मरते हुए आदमी को हौसला देने का भी जरूर नहीं है, कम जरूर कहीं का। कुछ लोग मोहब्बत में भी बखील होते हैं, चाहते हुए भी किसी को मोहब्बत नहीं दे पाते, हौसला ही नहीं होता उनमें। देने के लिए जैसे कंजूस का हाथ जेब से नहीं निकलता, ऐसे ही किसी के लिए ये मोहब्बत नहीं निकाल पाते, हालांकि नहीं जानते कि मोहब्बत दौलत की तरह किसी को देने से कम नहीं होती। चंद दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर शिफ्ट कर दिया गया आरजू को। डॉक्टर्स ने उसकी माँ को अलैदगी में बताया कि कैंसर अब 2-3 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रहने देगा आरजू को। अस्सलामुअलैकुम मामी। हसन, ये हसन कौन है? मामू जाद है आरजू का, पैदाइशी सैलानी है, वॉन्डरर, बचपन से ही स्कूल से भाग जाया करता था, बड़ा होकर घर से भागने लगा। मजे की बात यह है कि ढूंढने से नहीं मिलता था, खुद ही वापस घर आ जाया करता था। जमींदार घराना है, माँ बाप की तरफ से रोक टोक नहीं, रुपए पैसे की कमी नहीं। सब बरखुरदार ने खूब शेयर की, खूब मन का अच्छा है, इसलिए भटका नहीं, जहाँ गया अपना रास्ता बना लिया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगा। यस, डॉक्यूमेंट्रीज। तिब्बत के दलाई लामाज पर डॉक्यूमेंट्री बनाने निकला, वहाँ की फिलॉसफी पसंद आ गई, सो डॉक्यूमेंट्री भूल गया और वहीं रहने लगा। अब आया है वापस। अब दिन तेरे कटते ना तू ना, दिन तेरे कटते ना तू ना। ये आपने क्या खबर सुना दी मामी? घर वालों ने नहीं बताया तुम्हें? घर तो मैं गया ही नहीं, बल्कि 6 महीने से तो घर वालों से मिला भी नहीं। कुछ दिन पहले आप लोगों की बहुत याद आई, ख्वाब में मैंने आजू को देखा, सोचा आप लोगों से आके मिल लूं, आने पे ये पता चल गया। कहाँ है आजू वैसे? कमरे में। Come in.
आरजू से आरजू कैसे बन गई? आरजू का रे कहाँ गया? ओह, इस खामोशी का मतलब है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन इसमें आपको कोई कसूर नहीं, क्योंकि मुझे तो अक्सर मेरे घर वाले नहीं पहचानते। आप कहाँ से पहचाने? एनी गेसेस? अरे वाह, आपने तो पहचान लिया मुझे। कैसे पहचाना? तुम्हारी नाक की वजह से इडियट। वैसी की वैसी है, बस बहना बंद हो गई है। वाओ, और आपको याद है ना, ये वाला नॉस्ट्रल इस वाले नॉस्ट्रल से बड़ा है। लेकिन आज आपने एक और बात भी प्रूफ कर दी है कि इंसान की नाक सांस लेने के अलावा उसकी शनाख्ती अलामत भी होती है, और चाहे वो बहती हो या ना बहती हो। कैसी हैं? तुम्हारे सामने मैंने गेस्ट रूम तैयार कर दिया, 3-4 दिन तो रुकोगे? जी मामी, लेकिन गेस्ट रूम की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये आजू के साथ वाले कमरे में रुकूंगा, शावर लेके आता हूँ। आपने बुलाया मामा? नहीं बेटा, खुद ही आ गया। हसन ने चंद ही लम्हों में फैसला किया कि वो आजू का साथ देगा आखिरी सांस तक। अगले ही दिन वो नर्सरी गया और मैरीगोल्ड के ढेर सारे पौधे ले आया। मैरीगोल्ड? वो क्यों? सुर्ख रंग में एक ताकत है,
कैंसर के खिलाफ लड़ने की ताकत। हर रंग में अपनी एक अलग ताकत होती है मामी, ये हम ही हैं जो रंग को सिर्फ रंग समझते हैं। सूरज की रोशनी में हर रंग मौजूद है, इसका मतलब कि सूरज की रोशनी में हर तरह की ताकत मौजूद है। अब जिन मुल्कों में सूरज कम निकलता है, जो ज़्यादातर सर्द ममालिक हैं, वहाँ पर लोग बहुत जल्दी बूढ़े नज़र आने लगते हैं या बूढ़े हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको सूरज की रोशनी में कुछ रंगों की ताकतें मिल ही नहीं रही होती। You get that? क्या कह रहे हो बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रंग और रोशनी की ताकत से ज्यादा बड़ी भी एक और ताकत है, और आपको उसका बहुत अच्छी तरह अंदाजा है क्योंकि आप एक माँ हैं। अच्छा, वो कौन सी ताकत है? उम्मीद और यकीन की ताकत, बिलीफ। योर बिलीफ कैन मेक एनीथिंग हैपन। आप मेरे बार बार नॉक करने से बेजार नहीं होती होंगी। मैरी गोल्ड, गेंदे का फूल, पहले नहीं देखा आपने कभी? अच्छा, ये मैं सजाने के लिए नहीं लाया, ये मैं आपके खाने के लिए लाया हूँ। क्या? बहस का हमारे पास कोई वक्त नहीं है, जो मैं आपको कहूंगा वो आपको मानना तो पड़ेगा। सयानों की तहकीक है और हम उस हैं, उस मानते ही नहीं है उसको बिल्कुल। इसमें बहुत शिफा है, बहुत बड़ा इलाज है, दवाई है इसमें। सो ये आपने क्या करना है कि एक एक पत्ती तोड़ के इस फूल की खा लेनी है। आप लेटे लेटे भी खा सकते हैं, आप बैठने की जरूरत नहीं है, और पानी के बगैर भी खाया जा सकता है। आई एम श्योर फूल में अपना वाटर कॉन्टेंट बहुत होता है वैसे खुद का। आप कहती हैं तो मैं तोड़ के आपको वैसे पत्ती खिला सकता, ठीक है? और ये हम डिसाइड कर लेंगे, हो सकता है सुबह सुबह शाम हमें एक एक फूल खाना पड़े, बट वील सी हाउ इट गोज। हैप्पी ईटिंग। रोज सुबह मैरी गोल्ड की पत्तियां और रात को सुर्ख रोशनी की थेरेपी। आजू की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हसन की उम्मीद और यकीन वाली बात बार बार उसके जहन में घूम रही थी। सो वो भी एक अनजानी सी उम्मीद के साथ बन गई। मामी जी, मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। किस चीज़ की? वो मामी, आप मुझ पर भरोसा तो करती हैं। हाँ बेटा, लेकिन बात क्या है? वो मैं आज रात भर आजू के कमरे में रहना चाहता हूँ। आप
इजाजत दे दीजिए प्लीज। किस लिए? आप समझेंगी नहीं। अरे बताओ तो सही, बात क्या है? उसके कैंसर से कुछ बातचीत करनी है मुझे। सो हसन बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैंसर एक जिंदा मर्ज है। वो सोता है, जागता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, पीता है, और कॉम्प्लिकेशन इज के वो उस वक्त जागता है जब मरीज सो रहा होता है। सो व्हाइल आजू इज स्लीप, आई नीड टू यू नो टॉक टू द कैंसर। अच्छा, आई हैव टू पुट दीस थिंग्स इन द किचन। मैं आती हूँ तो फिर बात करते हैं। इजाजत तो बेटा, आती हूँ तो बात करते हैं। यू नीड हेल्प विद दैट? नो थैंक यू। छोड़ दो इसे। क्यों मारना चाहते हो इसे? हां, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। इस मासूम के पीछे क्यों पड़ गए हो? सब कुछ छोड़ के तुम्हें यही मिली थी सिर्फ? इकलौती है अपनी मां की, वो तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी इसके बगैर। तुम्हें आजू को छोड़ना होगा। तुम आजू को मार नहीं सकते। हां, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं और तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुनना पड़ेगी। देखो, तुम जिस हस्ती के हुक्म से यहां हो, मैं तुम्हें उसी हस्ती का वास्ता देता हूं। तुम्हें आजू को छोड़ना होगा। तुम्हें आजू को छोड़ के यहां से जाना होगा। And as they walked down the valley, they saw the same tree. The is that friend? जी, रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? आपको देख रहा था। आप गालिबन कोई ख्वाब देख रही थी, राइट? और क्या देखा आपने ख्वाब में? आई मीन इफ यू डोंट माइंड, द बर्बन। मैंने देखा कि मैं एक सर्द जाल में फंस गई हूं। अपने आप को छुड़ाना चाह रही हूं लेकिन फंसती चली जा रही हूं। फिर घबरा कर मेरी आंख खुल गई। इंटरेस्टिंग, इट्स ऑड बट इट्स। अच्छा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो? मुझे पता है मैं एक दो महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगी। और ये आपसे किसने कहा? मैंने फाइनल रिपोर्ट्स पढ़ी है तो मामा ने छुपाई हुई है मुझसे। फाइनल रिपोर्ट। बाय द वे, कैसी होती हैं ये फाइनल रिपोर्ट्स? उन पे दस्तखत हुए होते हैं अल्लाह मियां के? आई मीन इस तरह कुछ होता है उन पे? कम ऑन,
fine. Your breakfast dose of marigold. हसन आजू की कैफियत से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है. उसे एहसास है कि आजू किस कर्ब से गुजर रही है, इसीलिए उसने उस वक्त उसके साथ किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया. रात हुई तो वही सुर्ख रोशनी की थेरेपी और कैंसर से बात. आजू उस रात घबरा कर ख्वाब में उठी नहीं. दिन तेरे के लिए ना तू ना, दिन तेरे के लिए ना तू ना. आजू आजू, वेक अप टाइम. आज आप अपने मामूल के हिसाब से एक घंटा मजीद लेट सो चुकी हैं, सो इट्स टाइम टू वेक अप. आई नो इट्स वेरी बोरिंग रोज सुबह उठकर एक बेकार और बदमजा फूल की पत्तियां खाना, कोई बहुत अच्छी एक्सरसाइज नहीं है, बट दवा तो दवा है, वो बदमजा भी उखानी तो पड़ती है. Please, no more bahanebazi. You have to wake up and take your medicine. Azu? Azu? और हमदर्दी आजू को बोझ महसूस हो रहे थे, एहसान का बोझ. हसन तर्स खाकर उसको बेकार बचाने की कोशिश में लगा है, यह ख्याल उसे शर्मिंदगी में मुब्तला कर रहा था. सो ऐसे में आजू ने स्लीपिंग पिल्स खा ले. ज्यादा और मुसलसल दवाओं के इस्तेमाल की वजह से ये स्लीपिंग पिल्स उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके. बच गई? हाँ. चौके मरने का तो स्लीपिंग पिल्स का सहारा क्यों लेती है? उन गोलियों को तकलीफ क्यों देती हैं? इस कैंसर को मौका देते हैं ना? अफसोस मुझे आपकी इस हिमाकत पे नहीं है आजू. अफसोस मुझे इस बात का है कि आपने मेरी हर कोशिश को बेकार समझा. मुझे नफरत है इस बात से.
मुझे बचपन से नफरत है इस बात से कि कोई मुझ पे तरस खाए। यही बात आ गई मेरे सामने, शायद काबिले रहम बन गई मैं। लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक लाइक एन एलियन। ये वाली किताब तो मैंने आपको सारी पढ़ के सुना दी थी। And my marigolds look fantastic. अच्छा, ये सब ऑफ कोर्स इरेलेवेंट सी बातें थी, लेकिन एक असल बात जो मैं आपसे करना चाहता था, मुझे आपकी बात सुन के लगा कि शायद उसको कहने के लिए बराबरी जरूरी है, चाहे वो किसी फिजिकल लेवल की क्यों ना हो। यू सेड यू लुक लाइक एन एलियन, सो कैन आई? एंड नाउ आई डू टाड़ा। I'm almost on my knees, but I still don't know how to say it. मुझे नहीं पता लोग कैसे कहते हैं, but मुझे मोहब्बत है आपसे और आपको, आजू आपको जिंदा रहना है और आपको जिंदा रहना पड़ेगा मेरे लिए, अपनी माँ के लिए। You have to. You don't have a choice. मुझे तुमसे मोहब्बत है, इस जुमले में बहुत ताकत है अगर ये जुमला दिल की गहराइयों से निकले तो। इस एक जुमले ने आजू की रूह में एक अजीब सी ताकत पैदा कर दी। बरकी रॉ, मैरीगोल्ड की पत्तियों, सुर्ख रोशनी से बढ़कर Thank you.
सुबह बखैर।